The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत. दोस्तों, आज कल बहुत सवाल उठ रहे हैं और एक न्यूज, एक सवाल आपने सुना होगा बीसीजी वैक्सीन के बारे में कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ये 100 साल पुरानी वैक्सीन क्या COVID-19 या कोरोना वायरस से बचाव दे सकती है, जहाँ पे कोरोना वायरस के लिए कोई दवा नहीं मिल रही, कोई वैक्सीन नहीं है. वैसे दवा नहीं मिल रही बोलना थोड़ा गलत है, क्योंकि इसके लिए दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसके लिए दवाई दी जाती है कुछ केसेस में HIV की या दूसरी दवाएं मलेरिया की, ताकि ट्रीटमेंट की ज़रूरत जिसको पड़ती है. ज़्यादातर केसेस में इसके इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती. फिलहाल BCG वैक्सीन के बारे में काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं, जिस पर रिसर्च चल रहा है और ये बेसिकली ट्रायल चल रहा है, क्योंकि ये देखा गया कि ऐसे उन देशों में जहां पर बचपन में BCG वैक्सीन ज़्यादा लगाई जाती है, जहां तक अभी तक BCG वैक्सीन लगाने का रूल चल रहा है, वहां पर कोरोना वायरस की नंबर ऑफ डेथ्स कम हुई है. और ऐसे देशों में जहां ये ऑप्शनल है या नहीं लगाई जाती, वहां पर एक कोरोना वायरस ना सिर्फ फैला ज़्यादा है बल्कि डेथ रेट भी ज़्यादा है. और इसमें रिसर्चेज में बहुत समय लगने वाला है. किसी भी प्रकार के नया दवा, नई वैक्सीन लाने में साल दो साल तो कहीं नहीं गए, और जो हो रहा है वो आज हो रहा है. इसीलिए साइंटिस्ट्स इस तरफ भी एक स्टडी को ले जा रहे हैं. रिसर्चर्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के MCRI इंस्टीट्यूट के एक ट्रायल उन्होंने शुरू करी है BCG वैक्सीन के ऊपर, जो बैसिले कालमेटेगोरिन वैक्सीन, जो कि माना जा रहा है कि भाई हो सकता है, अभी पक्की बात नहीं, हो सकता है ये इस पर्टिकुलर कोविड के लिए भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन दे. अब इसके लिए ट्रायल किया जा रहा है 4000 मेडिकल स्टाफ के ऊपर, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑलरेडी चालू किया जा रहा है. MCRI ये के जो साइंटिस्ट हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि पता चले कि ये कितना कारगर होगा. अब इसके लिए समझना ज़रूरी है कि BCG वैक्सीन है क्या और क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि ये COVID-19 कोरोना वायरस के खिलाफ काम करेगी. देखिए, BCG वैक्सीन बचपन में दी गई एक वैक्सीन है जो ट्यूबरक्लोसिस TB एक इन्फेक्शियस डिजीज के लिए मोस्ट कॉमनली दी जाती है. ट्यूबरक्लोसिस लंग्स में होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले जो कि ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, TB, जो दुनिया भर में, इंडिया में खासकर आपने सुना ही होगा. और BCG की वैक्सीन जो है ये TB बैक्टीरिया के चांसेस कम कर देता है. TB के बैक्टीरिया जो है उसके इन्फेक्शन होना और इन्फेक्शन होने के सिवियरिटी के चांसेस कम कर देता है. BCG वैक्सीन एक ये ऐसे पर्सन को भी दी जा सकती है किसी भी उम्र में जिसको हाई रिस्क हो TB होने का. और ये दूसरी तरफ ना सिर्फ TB बल्कि ब्लैडर कैंसर या ब्लैडर ट्यूमर के लिए भी दी जाती है. इवन ब्लैडर ट्यूमर के ट्रीटमेंट में भी दी जाती है. सो समटाइम्स ये प्रिस्क्राइब की जाती है इस तरीके के इस्तेमाल में. सो याद रखिए, BCG वैक्सीन जब ये TB के लिए दी जाती है तो ये स्किन में दी जाती है, और इसमें वैक्सीनेशन जो एरिया है उसको 24 घंटे तक ड्राई रखना होता है जब वैक्सीन लगती है उसके बाद, और उसके बाद आप एरिया को क्लीन रखें और फिर उसके बाद वो एक स्किन जो है थोड़ा सा ऐसा गुल गुल हो जाता, देखा आपने, है ना. सो वैक्सीन ब्लैडर के लिए जब दी जाती है तो ब्लैडर के अंदर डाली जाती है ट्यूब या कैथेटर से, जिसमें आपको पानी वानी नहीं पिलाया जाता, अंदर से पानी डाला जाता है ट्यूब में बढ़िया से, ताकि वो वैक्सीन वहाँ जाए, वहाँ काम करे. वो ब्लैडर के लिए दी जाती है. और इसमें याद रखिए, आपके डॉक्टर आपको बताएंगे अगर आपको इसकी ज़रूरत है, पहली बात. और TB के लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो एक बार बचपन में दी जाती है. सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स उसका दिया जाता है अगर 2-3 मंथ्स के बीच में दिया जाए, और रिस्पॉन्स मेजर किया जाता है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट से. अगर आपने BCG वैक्सीन लिया है तो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट आपका पॉजिटिव आ सकता है. सो ये हुई बात. साइड इफेक्ट्स होते हैं सबसे बड़ी बात इसके, फिर हम बताएंगे कि क्यों सोचा जा रहा है ये. BCG वैक्सीन के कैन कॉज साइड इफेक्ट्स, राइट. उसमें आपके लिम्फ नोड्स बड़े हो सकते हैं, इन्फेक्शन साइट पे थोड़ा लालपन आ सकता है, बुखार आ सकता है, येलो यूरिन आ सकता है, पेट खराब हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, यूरिन में जलन हो सकती है, और कुछ केसेस में थोड़ा सीरियस साइड इफेक्ट जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रैश और वीजिंग भी हो सकता है, राइट. सो दैट इज देयर अबाउट BCG वैक्सीन. अब अगर बात करें कि
क्यों ऐसा सोचा जा रहा है कि ये बीसीजी वैक्सीन जो पहली बार 1921 में अपीयर किया था, डब्ल्यूएचओ ने इसे एसेंशियल वैक्सीन में कर दिया था और उस समय 100 मिलियन बेबीज को दी गई थी बीसीजी वैक्सीन, हर साल दी जा रहा था बच्चों को, नए नए बच्चों को, राइट। असाइड फ्रॉम दैट, लाइक आई सेड, लेप्रसी जैसी बीमारी, माइकोबैक्टीरियम बोविस जैसी बीमारी, उसके लिए भी बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है। अब क्यों ऐसा सोचा जा रहा है कि बीसीजी वैक्सीन कोरोना वायरस को के लिए प्रोटेक्ट कर सकती है या शायद करे? नंबर वन, पहले कुछ स्टडीज हो रखी हैं बीसीजी वैक्सीन और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के ऊपर, अनरिलेटेड, अभी ये टीबी ट्यूबरक्लोसिस से अलग और कोरोना वायरस से अलग, दूसरे सांस की नली के इन्फेक्शंस के ऊपर। तो एक स्टडी जिसमें यही वैक्सीन को नॉन टारगेटेड प्रोटेक्शन देखी गई थी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, स्पेशली गर्ल्स के अंदर। उसके बाद दूसरी स्टडी जो की गई थी स्पेनिश हॉस्पिटल में, उसमें भी बीसीजी वैक्सीन जिन लोगों को बर्थ में दिया जा रहा था उनको देखा गया कि उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और सेप्सिस के चांसेस और उसके केसेस कम पाए जा रहे थे छोटे बच्चों में। ये पक्की बात नहीं है कि ऐसा क्यों देखा गया, ऐसा क्या करती है बीसीजी वैक्सीन, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक बूस्ट देती है आपके इम्यून सिस्टम को। जैसा हमने पहले इम्यून सिस्टम में बताया था, आपके इम्यून सिस्टम्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो बीसीजी वैक्सीन के लिए जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, हो सकता है वो एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के लिए या ऐसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले वायरसेस के लिए भी एक्ट करती हो, बिकॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पे ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर जो आपके रिसेप्टर्स हैं उस रिसेप्टर से मैच करने वाले एंटीजेंस के लिए एक तरीके की सिमिलर वैक्सीन हो सकती है। इट्स पॉसिबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, लेकिन स्टडीज में ये नॉन स्पेसिफिक है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो पक्की बात से प्रूव करे कि ये सार्स के ऊपर, यानी कोरोना वायरस के ऊपर पक्की बात से काम करेगी। और अगर हम एमसीआरआई ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्टर के से बात की बात सुने, तो जी हाँ, वो लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि जिस हिसाब से कोरोना वायरस की बीमारी बढ़ रही है, जिस हिसाब से डेथ रेट बढ़ रहा है, डॉक्टर्स की जान जा रही है, उस हिसाब से इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम कोई भी छोटी से छोटी सी भी उम्मीद की किरण को ना छोड़े। और इसके लिए उन्होंने 4000 उनके खुद के जो मेडिकल स्टाफ है उनके ऊपर रिसर्च शुरू किया है, और वो रिसर्च से हमें पता चलेगा कि क्या ये वैक्सीन कुछ हद तक काम करती है इस पर्टिकुलर कोरोना वायरस के खिलाफ। और दो रिसर्चर्स खुद ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि बीसीजी वैक्सीन से कोई भी किसी प्रकार का क्योर निकल के आएगा या कोई परफेक्ट मेथड निकल के आएगा प्रिवेंशन का, लेकिन ये एक वैक्सीन हो सकता है एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिफेंस आपको दे, जिससे कि आप हेल्थ केयर सेटिंग में काम करते हुए अपने आप को थोड़ा और प्रोटेक्टेड महसूस करो। इसीलिए ये बीसीजी वैक्सीन के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है। सो दैट इज देयर ट्रायल्स, रैपिड सोर्स्ड इमीडिएट रैपिड एडवांस ट्रायल होंगे, जिसमें कैंडिडेट्स की जो 4000 लोग हैं उनको रेगुलर टेस्ट किया जाएगा, रेगुलरली मॉनिटर किया जाएगा, और उनके अगर रिजल्ट्स हमें जल्द से जल्द मिल जाते हैं तो दुनिया भर में हो सकता है ये वैक्सीन अपना ली जाए। ऑलरेडी इंडिया में जिन जिनको वैक्सीन लगी हुई है उनको एक्स्ट्रा वैक्सीन, जब तक हमारे खुद के ICMR या गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से ऐसा कोई इंडिकेशन या रिकमेंडेशन नहीं आता, हमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स खुद से नहीं करना चाहिए। याद रखिए, दुनिया भर के अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े डॉक्टर्स इसके पीछे लगे हुए हैं, रात दिन लगा रहे हैं। सो आपको और हमें सही जानकारी लेनी है, गलत जानकारियों से बचना है, और जितना हो सके अपने आप को और अपने आसपास वालों को सेफ रखने की कोशिश करनी है। घर रहना है, ऑलरेडी याद रखा है आपको हर चीज़, 5 चीज़ें नहीं भूलना है, हाथ धोना है बार बार, 1 मीटर की दूरी बनानी है, मुंह नाक हाथ कान को हाथ नहीं, मुंह नाक और आंखों को हाथ नहीं लगाना है, याद रखिए, और मास्क पहनना अगर बाहर जा रहे हैं, और घर के अंदर रहना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ स्टे इनसाइड, बी इनसाइड, एंड अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, शब्बा खैर।